हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर, जिस पर आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे न्यूटन के गति के तृतीय नियम को। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे न्यूटन के गति के तृतीय नियम को। बच्चों, मैं आपको बताता चलूँ कि न्यूटन के गति के तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं, ठीक है? याद रखें, एक बार फिर से बता रहा हूँ, न्यूटन के गति के तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, इसी को आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। और एक बार और बता चलूँ बच्चों, मैंने न्यूटन का गति का प्रथम नियम और न्यूटन का गति का द्वितीय नियम दोनों ही अपलोड कर दिए हैं। तो जिन लोगों ने मेरे वो लेक्चर नहीं देखे, उन लोगों से मेरा विशेष रिक्वेस्ट ये है कि न्यूटन की गति के तृतीय नियम को अच्छे तरीके से समझने के लिए पहले उनको मेरे उन लेक्चर को जरूर देखें स्टूडेंट, ठीक है? और लेक्चर आप लोगों ने देख रखे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए देखिए, शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। देखिए स्टूडेंट, जैसे अभी मैं आपको बोल रहा था न्यूटन का गति का तृतीय नियम, तो बेटा न्यूटन का गति का तृतीय नियम का स्टेटमेंट ये है, किसी भी क्रिया की उसी के समान किंतु विपरीत दिशा में समान प्रतिक्रिया होती है, इसी को हम न्यूटन का गति का तृतीय नियम कहते हैं। एक बार फिर समझाने का प्रयास करता हूँ, किसी भी क्रिया की उसी के समान, ठीक है, किंतु विपरीत दिशा में समान प्रतिक्रिया होती है, क्या कहलाता है? न्यूटन का गति का तृतीय नियम कहलाता है। नेक्स्ट स्टैंड, इसका मैंने स्क्रीन पर डायग्राम भी बना कर रखा, पहले इसको भी समझाऊंगा, ठीक है? लेकिन मैं एक एग्जांपल आपको जनरल देना चाहता हूँ। देखिए बेटा कि देखिए, जब भी कोई मनुष्य, इसका एग्जांपल दे रहा हूँ, न्यूटन क्रिया प्रतिक्रिया के नियम का है ना, इसका एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ हम लोग को। देखिए, जब भी कोई मनुष्य कुएं से जल से भरी बाल्टी खींचता है, ठीक है, और अचानक अगर रस्सी टूट जाए तो खींचने वाला जो मनुष्य है वो पीछे की ओर गिर पड़ता है, क्यों? ठीक है, उसका मेन रीजन क्या है? उसका मेन रीजन देखिए, मैं इसी को बता रहा हूँ, और वो जो घटना है वो न्यूटन की गति के तृतीय नियम पर ही आधारित है। देखिए बेटा, जब कोई भी मनुष्य कुएं से भरी बाल्टी को खींचता है ऊपर की ओर, ठीक है, तो वह बाल्टी पर क्या लगाता है एक फोर्स लगाता है। लेकिन जैसे मनुष्य बाल्टी पर फोर्स लगा रहा, ठीक उसी प्रकार बाल्टी भी मनुष्य पर फोर्स लगाती है आगे की ओर को, बस मेरी, यानी मनुष्य तो खींचता है पीछे की ओर को, क्योंकि बाल्टी का जो फोर्स होता है मनुष्य पर लगाया गया, जो बाल्टी मनुष्य पर फोर्स लगाती है वो लगाती है आगे की ओर, यानी कुएं की ओर को, स्टैंड, ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि जब अचानक रस्सी टूट जाती है तो मनुष्य का बाल्टी पर जो लगने वाला फोर्स वो क्या होता है बेटा? समाप्त हो जाता है, जिसके चलते अचानक क्या होता है, जो खींचने वाला मनुष्य होता है वो पीछे की ओर गिर पड़ता है। उम्मीद है कि मेरा आपको समझ में आई होगी स्टैंड। एक बार फिर से अपनी बात को रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, कि जब कोई मनुष्य जल से भरे कुएं से बाल्टी को खींचता है, ठीक है, तो वो बाल्टी पर एक फोर्स लगाता है, ठीक है? अच्छा, तो ये तो रहा क्रिया की बात, यानी मनुष्य कोई क्रिया करा बाल्टी पर, अब प्रतिक्रिया क्या है? प्रतिक्रिया ये बेटा कि बाल्टी भी मनुष्य पर एक फोर्स लगा रही है, बात समझ में आ रही है? यानी दोनों की जो बल की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है? लेकिन अचानक अगर रस्सी टूट जाए तो होता है क्या बेटा, कि मनुष्य द्वारा बाल्टी पर लगाया गया जो बल है उसका मान कहता है बेटा शून्य हो जाता है, ठीक है? जिसके कारण कहता है मनुष्य पीछे की ओर गिर जाता है। उम्मीद है कि मेरा आपको समझ में आई होगी। देखिए, मैं एक एग्जांपल से मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ, फिर इसको और भी एग्जांपल अभी आप लोग मैं और बताऊंगा। देखिए स्टैंड, जैसे कि आप लोग स्टैंड देख रहे हैं, देखिए स्टेटमेंट तो मैं लिख दिया, किसी क्रिया के उसी के समान किंतु विपरीत दिशा में क्या होती है? समान प्रतिक्रिया होती है, ठीक है? यही न्यूटन गति का तृतीय नियम का स्टेटमेंट है, और इसी नियम को हम क्या कहते हैं? न्यूटन का क्रिया प्रतिक्रिया नियम कहते हैं। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, देखिए मान लीजिए मेरे पास दो वस्तुएं, एक ए वस्तु है एक बी वस्तु है, ठीक है? अच्छा, इस ए वस्तु का जो द्रव्यमान है वो एम ए है और बी वस्तु का जो द्रव्यमान है वो एम बी है, ठीक है? जो एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखी है, ठीक है? अब देखिए, वस्तु एक यानी वस्तु ए द्वारा वस्तु बी पर लगाया गया जो बल है वो क्या बेटा? एफ ए बी है। बात को समझें, वस्तु ए द्वारा वस्तु बी पर लगाया गया बल क्या है? एफ ए बी है, ठीक है? अच्छा, सेम इसी टाइप से मैंने आपको बताया कि वस्तु बी द्वारा ठीक है, वस्तु ए पर जो लगाया गया बल है वो क्या? एफ बी है। बात समझ में आई मेरी बात, ठीक है? अब ये दोनों बल एक दूसरे के अपोजिट है, क्यों? कि ये उधर की ओर धक्का देगा और ये इधर की ओर धक्का देगा। बस समझ में, न्यूटन का जो तृतीय नियम यही तो कहता है, किसी क्रिया के उसी के समान किंतु विपरीत दिशा में क्या होती है बेटा? समान प्रतिक्रिया होती है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये दोनों जो बल एफ ए बी और एफ बी एक दूसरे के बराबर होंगे, लेकिन इनकी डायरेक्शन क्या होगी बेटा? अलग अलग होगी। इनकी डायरेक्शन क्या होगी बेटा? अलग अलग होगी। देखिए, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, माना वस्तु ए द्वारा वस्तु बी पर लगाया गया बल क्या? एफ ए बी है, ठीक है? तथा वस्तु वी द्वारा वस्तु ए पर लगाया गया बल क्या बेटा? एफ वी है, ठीक है? अच्छा, अब स्टेटमेंट से देखें इसके, तो एफ ए बी बराबर एफ बी ए,
और ये निगेटिव साइन आ रहा है बेटा। क्या रहा है? निगेटिव साइन। निगेटिव साइन बेटा इस बात का प्रतीक है कि दोनों बलों की जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। जैसे कुएं से मनुष्य बाल्टी खींच रहा था, ठीक है, जब कुएं से मनुष्य बाल्टी खींच रहा था, ठीक है, तो वो एक फोर्स लगा रहा, लेकिन बाल्टी भी जो मनुष्य में वो फोर्स लगा रही है, तो एक दूसरे का अपोजिट हुआ कि नहीं हुआ? यानी मनुष्य खींच रहा पीछे की ओर को, बाल्टी खींच रही आगे की ओर को। बात समझ में आ रही है मेरी बात? तो एक दूसरे क्या, यानी बल तो बराबर थे दोनों के, लेकिन एक दूसरे के जो डायरेक्शन थी वो एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट थी, स्टूडेंट, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि वस्तु ए, वस्तु बी पर, वस्तु ए के द्वारा वस्तु बी पर जो लगाया गया बल है वो एफ ए बी है, ठीक है, और वस्तु बी द्वारा वस्तु ए पर जो लगाया गया बल क्या है, एफ बी है। लेकिन एक दूसरे के बराबर तो होंगे, लेकिन ये आप देख रहे हैं एक दूसरे के अपोजिट साइड में, इसकी क्रिया रेखा उधर है, इसकी क्रिया रेखा बेटा इधर है, एक दूसरे के विपरीत हैं, इसलिए हम क्या लगाते हैं बेटा, माइनस का साइन लगा देते हैं, ठीक है। यानी परिमाण बराबर होंगे, लेकिन इनके क्या होंगे, नेचर जो प्रकृति है वो अलग अलग होगी, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, मैंने लिखा भी है, देखिए समझाने के लिए। ऋणात्मक चिन्ह, ऋणात्मक चिन्ह ये प्रदर्शित करता है कि दोनों बलों की दिशा एक दूसरे के क्या बेटा, विपरीत है। आप देख रहे हैं कि इसकी डायरेक्शन उधर को है, इसकी डायरेक्शन जस्ट इसके अपोजिट है, स्टूडेंट, ठीक है। उम्मीद है कि मेरी बात आपको समझ में आई होगी, स्टूडेंट, ठीक है। तो देखिए, और मैं इसके एग्जाम्पल बताता हूँ। एक तो मैंने एग्जाम्पल बताया कि कुएं से बाल्टी खींचते समय अचानक अगर रस्सी टूट जाए तो मनुष्य पीछे की ओर गिर पड़ता है, क्यों? दूसरा एग्जाम्पल इसका समझ सकते हैं बेटा कि जब बंदूक से गोली चलाई जाती है, बंदूक से गोली चलाई जाती है, ठीक है, तो गोली जो चलाता है व्यक्ति, छोड़ने वाले को जब गोली छोड़ी जाएगी, है ना, तो होता क्या है कि उसको पीछे की ओर धक्का लगता है, क्यों? बात समझ में आ रही है? यानी कहने का मतलब ये है कि जब कोई बंदूक चालक बंदूक को चलाता है, ठीक, गोली छोड़ता है, तो गोली के छूटने पर तुरंत क्या होता है, छोड़ने वाले को पीछे की ओर धक्का लग जाता है, क्यों? ठीक है, यही भी क्या बेटा, न्यूटन का क्रिया प्रतिक्रिया का नियम का ही उदाहरण है। मैं बताता हूँ, देखिए क्या होता है। देखिए बेटा, जब गोली बंदूक से छूटती है, जब गोली बंदूक से छूटती है, तो गोली के अंदर जो बारूद होती है उसकी क्या बन जाती है बेटा, उसकी बन जाती है वहाँ पर गैस बन जाती है। क्या बन जाती है बेटा? गैस बन जाती है। उम्मीद है कि मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। तो गोली कि जब वो गैस होती है बेटा, गोली की जो गैस होती है, बात को समझे ना, गोली को आगे की ओर धकेलने का प्रयास करती है, जो गैस है वो गोली को आगे की ओर धकेलने का प्रयास करती है, लेकिन गोली भी क्या करती है, उस गैस को पीछे की ओर प्रतिक्रिया बल लगा देती है। बात समझ आ रही है? तो इसलिए जो छोड़ता है बंदूक, उसको क्या लगता है, हल्का सा या तेज़ी से झटका लग जाता है। एक बार फिर से समझा रहा हूँ कि यानी जब कोई बंदूक चालक बंदूक से गोली छोड़ता है बच्चों, ठीक है, तो छोड़ने वाले को झटका लगता है, क्यों? उसका मेन कारण ये है बेटा कि जब गोली छूटती है उस समय होता है क्या बेटा, कि जो बारूद होती है उसी क्या बनती है, गैस बन जाती है। क्या बनती है बेटा? गैस बन जाती है। जब गैस बनती है तो वो गैस गोली को आगे की ओर धकेलती है, लेकिन उसके ऊपर अपोजिट गोली क्या करती है, गोली भी गैस को पीछे की ओर धकेलती है, जब पीछे की ओर धकेलती है तो मनुष्य क्या लग जाता है बेटा, धक्का लग जाता है। उम्मीद है कि मेरी बात आपको समझ में आई होगी। इसी प्रकार का एक एग्जाम्पल और भी बहुत ज़्यादा प्रचलित है। जब देखिए, जब किसी रॉकेट को उड़ाया जाता है, किसी रॉकेट को आकाश में उड़ाया जाता है, ठीक है, देखिए मान लीजिए, मैं एक समझाने का प्रयास करता हूँ। जब किसी रॉकेट को बेटा आकाश में उड़ाते हैं स्टूडेंट, ठीक है, तो होता क्या है कि उसके अंदर बहुत सारी ज्वलनशील गैसें भर जाती है बेटा, बहुत सारी ज्वलनशील गैसें भर जाती हैं, ठीक है, जो जेट के रूप में बाहर निकलती हैं। इसको बोलते हैं, इसको जेट के रूप में, ठीक है। मान लीजिए कोई रॉकेट स्टूडेंट, ठीक है, उम्मीद है कि मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। तो इसके अंदर बहुत सारी ज्वलनशील गैसें भरी जाती हैं, ठीक है। जब ये रॉकेट उड़ने को होता है बेटा, तो ये गैसें जो होती हैं जेट के रूप में क्या निकलती हैं, बाहर की ओर निकलती हैं, पीछे की ओर निकलती हैं। जब ये पीछे की ओर निकलती हैं तो ये जो गैस होती है इसको क्या करती है बेटा, ये आगे की ओर इसमें फोर्स लगा देती है। किस पर? इस रॉकेट पर। आगे की ओर क्या लगाती है? फोर्स लगाती है, ठीक है। तो जब इतना हाई फोर्स लगाती है कि रॉकेट जो है बेटा क्या तेजी से आकाश की ओर उड़ जाता है और आकाश में चला जाता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है, रॉकेट का आकाश में उड़ना भी क्या एक न्यूटन का गति का तृतीय नियम का ही एक उदाहरण है, ठीक है। इसमें होता है क्या है बेटा, जब किसी रॉकेट को आकाश में उड़ाया जाता है तो उसके अंदर क्या ज्वलनशील पदार्थों को जलाकर क्या बनते हैं, गैस बनाई जाती है, जो एक जेट के रूप में बाहर निकलती है। और ये गैस इस रॉकेट पर आगे की ओर, यानी अगर उसकी अगर जो साइज मुँह ऊपर को है तो वो क्या बहुत तेजी से ऊपर की ओर उड़ जाता है, किसी वजह से ये जो गैस निकलती है इस पर क्या लगाती है, फोर्स लगा देती है, जिस कारण जो रॉकेट आकाश में सीधा उड़ जाता है। तो उम्मीद है कि बात आपको समझ आई होगी बेटा। तो यही था बेटा न्यूटन का गति का तृतीय नियम, ठीक है। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो बेटा तो वीडियो को अभी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें स्टूडेंट। मिलेंगे अगले वीडियो में, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।